हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जुमला के वर्जन को वन क्लिक पर कैसे अपग्रेड करते हैं। तो अभी मेरा जुमला विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल है जैम सर्वर के थ्रू, और मेरा विंडो है प्लेवन। तो इसमें मैंने जुमला 5 को इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन जुमला 5 का 5.11 वर्जन है। तो अभी मेरे पास एक अपने एडमिन में नोटिफिकेशन आ रहा है, जुमला 5.21 अवेलेबल नाउ। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझको कुछ रिकमेंडेशन आती है, ये आपको भी आती होगी। और ये सेम प्रोसेस जुमला 4 पर भी अप्लाई है, बट जुमला 3 के लिए नहीं है। तो इसमें रिकमेंडेशन सेटिंग को कैसे इनेबल या डिसेबल करना है वो मैं आपको सारी कर करके दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ये डेवलपर को कई बार प्रॉब्लम आती है कि वो सेटिंग हमको मिलती नहीं है, कैसे उसको डिसेबल करना है और कहाँ से इनेबल करना है। जो भी रिकमेंडेशन इसने दिया है उसको मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करूंगा। तो विंडोज में कैसे करना है जैम में वो मैं दिखाऊंगा। ये आप सेम चीज अपने सर्वर पर भी, वेब सर्वर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर php.ini आपको रूट में मिल जाएगी, या आपको किसी अन्य फोल्डर में मिल सकती है, या आप अपनी होस्टिंग सपोर्ट से बात करके वो सेटिंग इनेबल करवा सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। अभी हम जुमला 5 का अपग्रेड करने वाले हैं। तो अगर आपके पास जुमला 4 है या 5.1.4 है या रिसेंट वर्जन से एक स्टेप कम है, और आपके पास नोटिफिकेशन कुछ इस तरह आता है जिस तरह मेरे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो आपको कैसे अपग्रेड करना है इसका बहुत ही आसान स्टेप है, हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि ये जुमला का 5.2.1 अवेलेबल अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन शो होंगी। तो इस वीडियो में हम वो रिकमेंडेशन को कैसे फिक्स करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं अपडेट नाउ। अब यहाँ पर दो तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है रिक्वायर्ड सेटिंग, ये सारे ग्रीन है, आप चेक कर सकते हैं। राइट साइड चेक यस, चाहे तो आप इससे डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले सेकंड रिकमेंडेड सेटिंग्स देखना पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में जो जो ऑप्शन हमको शो हो रहे हैं उनको हमको रिकमेंडेड के इक्वल करना है। तो डिस्प्ले एरर यहाँ पर एक्चुअल में ऑन है और यहाँ पर हमको ऑफ करना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मैं अपने लोकल होस्ट विंडोज पर जुमला का इंस्टॉल्ड है, जुमला का वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर मैं कैसे सेटिंग करूंगा ये देखना है। ये आप अपने वेब सर्वर पर भी कर सकते हैं, वहां पर php.ini के थ्रू कर सकते हैं, या अपने होस्टिंग के हेल्प सपोर्ट से भी करवा सकते हैं। अभी हम विंडो 11 में जैम्प में ये सेटिंग कैसे अपडेट करेंगे ये देखेंगे। डिस्प्ले एरर ऑन हो रही है, इसको इस रिकमेंडेशन दिया है कि इसको ऑफ होना चाहिए। इसके लिए हम को इसकी stxs.htaccess फाइल जुमला के रूट फोल्डर में, जहां पर आपका जुमला इंस्टॉल हो सर्वर पर या लोकल में, उसके रूट फोल्डर में .htaccess फाइल चेक करनी है। अगर वहां पर आपको मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है, इसका मतलब आपने इनिशियली अभी स्टार्ट ही किया है जुमला इंस्टॉलेशन, तो आपको ये क्रिएट कर देनी है। वहां पे .txt फाइल फॉर्मेट में होगी, उसको इसमें .htaccess फॉर्मेट में बदल कर, और ये अभी ब्लैंक है, अगर आपके पास ब्लैंक नहीं है तो उसके नीचे ऐड कर दें। अभी मैंने ये लोकल पे है, मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया था आपको दिखाने के लिए। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए एक वेरिएबल होता है डिस्प्ले एरर, लेकिन डॉट एस टी एक्सेस में अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें php_flag ये यूज करना पड़ेगा। आप इसके साथ ही php.ini फाइल में भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है। मैं अभी इसको .htaccess की हेल्प से करके दिखा रहा हूं, इसका ही यूज करें मोस्टली।
इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये इसका सिंटेक्स होता है, ये वेरिएबल डिफाइंड है कि PHP डॉट अंडरस्कोर फ्लैग डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर और ऑफ इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है। इसको सेव कीजिए और इसको रीलोड कीजिए। ये देखिए डिस्प्ले एरर इक्वल टू ऑफ ऑफ हो गया है, यानी हमने पहला जो उसका मैसेज था रिकमेंडेशन का वो हमने फिक्स कर दिया है। ये हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे जब अपग्रेडेशन प्रोसेस होती है उसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो हम इसके रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। फाइल अपलोड यहाँ बोला है ऑन, तो ये ऑन ऑलरेडी है। आउटपुट बफरिंग ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे ऑन शो हो रहा है। आपके जुमला इंस्टॉलेशन में हो सकता है कि ऑलरेडी सेट हो, तो आपको ये चेक करना है जब भी आप जुमला का अपग्रेडेशन स्टार्ट करें। अब चलते हैं अगली एरर आउटपुट बफरिंग को। इसके लिए मैंने सर्च करके रखा है क्या करना है, ये वाला वेरिएबल। PHP अंडरस्कोर फ्लैग आउटपुट अंडरस्कोर बफरिंग ऑफ, यहाँ ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा और इसको सेव कर दिया है। अगर आपके में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार अपाचे को स्टॉप करके स्टार्ट कर दें, इससे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। मेरे केस में अभी ये विदाउट रिस्टार्ट के हो रहा है। अब इसको रीलोड करते हैं। ये देखिए आउटपुट बफरिंग ऑफ हो गया है। इसी प्रकार नेटिव जिप सपोर्ट, इसको ऑन करना है, यहां पर ऑफ है, तो इसके लिए क्या करना है, ये जिप सपोर्ट को ये करना है PHP फ्लैग एक्सटेंशन PHP अंडरस्कोर जिप डॉट टीएल, इसको ऑन ऑफ नहीं लिखाएगा, यहां इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब वो समझ लेता है कि ये, तो ऐसे भी कर सकते हैं चेक फॉर अपडेट। ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो हम इसको एक बार स्टॉप स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, अभी हमको एक चीज और करनी है। अब तीन एरर के लिए हमको एक दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। देखिए इससे नहीं हो रहा है, हमने इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ये मैंने यूज किया था, ये काम नहीं कर रहा है। या इसके साथ एक चीज और करनी है, ये जो तीन वेरिएबल मैंने करके रखे हैं एन PHP डॉट INI में, ये तीन चीजें चेंज करनी है। इसका मतलब ये अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हम सेकेंड के लिए चलते हैं। GD अवेलेबल इसको करना है और INTL अवेलेबल इसको सॉल्व करना है। नेटिव जिप सपोर्ट, तीन वेरिएबल मेरे पास हैं, इनके लिए मुझे जाना पड़ेगा। आप अपनी PHP डॉट INI में कर लेना, मुझे लोकल में हूं तो मुझको इसकी यहाँ की ये PHP डॉट INI में जाके चेंज करना पड़ेगा। आप अपने सर्वर पे चेक कर लें क्या करना है। PHP डॉट INI में इसको सर्च करना है, ये कहां पर है।
ये है, इसमें ये कमेंट है तो ये सेमी कॉलम हटाएंगे तो अनकमेंट हो जाएगा, तो ये इनेबल हो जाएगा, इसको इनेबल करना होता है। अभी हम पेज रिलोड करके देखते हैं डिफरेंस आया कि नहीं, हमने क्या इनेबल किया है, जीडी, जीडी मतलब ये जीडी अवेलेबल, ऑफ दिखा रहा है, तो हमको ये स्टॉप स्टार्ट करेंगे, फिर से रिलोड करेंगे, ये देखिए जीडी अवेलेबल ऑन हो गया, ये हमारी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गई। फिर अगला है एक और जिप सपोर्ट, ये जो मैंने अभी ऊपर किया था उसमें, अब मुझको ये देखना है, यहाँ पर सर्च करेंगे, इसको भी इनेबल कर देना है, सेव करना है, रिलोड करना है, रिलोड में शायद नहीं होगा, नहीं हुआ, तो अब मुझको ये ऑन ऑफ करना है, रिस्टार्ट, यानी कि php.inm जो भी चेंज करेंगे उसके लिए हर बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपाचे सर्वर को। देखिए ये हो गया, नेटिव जिप सपोर्ट भी ऑन हो गया, यानी कि ये .htaccess से नहीं होने वाली चीज है। ठीक है, अभी लास्ट है intl, इसके लिए हमारे पास क्या है, ये है, इसको सर्च करेंगे, ठीक है मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये देखिए ये भी कमेंट है, इसको सेमी कॉलम हटाएंगे, सेव करेंगे, इसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक, और इसको रीलोड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे टिक आ गया है ग्रीन, इसका मतलब सारे जो वार्निंग थी एरर मैसेज की, ये सेटिंग की रिकमेंडेड सेटिंग्स हमने फुलफिल कर दी हैं। अभी यहाँ पर ये दिख रहा है एक्सटेंशन में, और ये दिखा रहा है इस एक्सटेंशन की, इस मॉड्यूल की कोई भी अपडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जुमला 5.2.1 के लिए अब कंपेटिबल है कि नहीं है, और ये मॉड्यूल मैंने खुद से कस्टम बनाया था, तो या तो मैं इसको डिसेबल कर दूं या इसको अनइंस्टॉल कर दूं, फिर से इंस्टॉल करेंगे, अगर उसके कंपेटिबल होगा तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कोड नहीं है, लेकिन मुझे इसको पहले ग्रीन करना है, ये प्रॉपर रूल होता है कि अगर आपको जुमला के नेक्स्ट वर्जन पर जाना है तो आपको पूरी उसकी रिकमेंडेशन कोशिश हो जहां तक हो सके, अदरवाइज वो बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ, मैं वापस इंस्टॉल कर लूंगा, अदरवाइज कुछ चेंजेस तो नहीं होगा तो फिर मैं जुमला 5 में सर्च करूंगा कि उसका मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी, यहाँ भी ग्रीन टिक जाना चाहिए, और ये आ गया ग्रीन, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है, ये अभी मैं आपको बता दी पूरा डिफॉल्ट जुमला, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन नहीं है, जितना जुमला के साथ आता है केवल वही सारे एक्सटेंशन है, ये देखिए अब ये आ गया ग्रीन टेक, और ये कब आता है, जब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसा पॉसिबल नहीं है सारे ग्रीन हो जाए, उसके लिए हमको थर्ड पार्टी को डिसेबल इनेबल कुछ कुछ करना पड़ता है, तो अभी मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, तो चलिए अपडेट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसका माइनर वर्जन कहलाता है, ये स्टेबल वर्जन नहीं है, ऐसे मिनी वर्जन आते रहते हैं, इसको आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं है, जुमला 4 और 5 का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है।
ये देखिए हो गया हमारा जुमला का वर्जन सक्सेसफुली अपग्रेड। अब हम इसके फ्रंट एंड पर देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रही है। कुछ नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह हमारा जुमला का वर्जन इंस्टॉल हो गया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब ये बता रहे हैं जुमला में क्या क्या नया है, ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में।